बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद हिंदू विरोधी हिंसा जारी है। ढाका के खिलगांव थाना क्षेत्र में हिंदू मंदिर और घरों पर हमला हुआ है। कट्टरपंथियों ने घरों में जमकर तोड़फोड़ की है और लूटपाट की है। ऐसी तस्वीरें लगातार बांग्लादेश से निकलकर सामने आ रही हैं। अब एक और तस्वीर आपके सामने, क्योंकि बांग्लादेश के पाबना जिले में भी हिंदू अल्पसंख्यकों के घर पर हमले को लेकर खबर आई है। हिंसा के कारण सुजानगर में हिंदू परिवार रात भर सो नहीं पाए हैं। वार्ड नंबर 2 में तोड़फोड़ और लूटपाट की घटना की ये तस्वीर देखिए। हिंदू महिलाएं, बच्चे चीखते चिल्लाते यहां भी नजर आ रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के कई न्यूज चैनलों में भी तोड़फोड़ की है। प्रदर्शनकारियों ने न्यूज चैनल में रखा सामान तोड़ दिया। ऑफिस में तोड़फोड़ के बाद न्यूज चैनल का प्रसारण बंद है। और दंगियों ने बांग्लादेश के 71 टीवी, समय टीवी, डीबीसी न्यूज और डीबी और एनटीएन बांग्ला और समकल न्यूज चैनल में तोड़फोड़ की है। रिपोर्ट के मुताबिक शेख हसीना के पक्ष में खबर दिखाए जाने के कारण चैनलों को टारगेट किया गया। ये तस्वीरें सामने आ रही है बांग्लादेश से। और बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। कट्टरपंथियों ने बांग्लादेश के कांडीपारा जिले के बरात में काली मंदिर पर हमले को अंजाम दिया है। कट्टरपंथियों ने मंदिर में रखी मूर्तियों को तोड़ दिया। मंदिर में रखी कुछ मूर्तियों को बाहर तक फेंक दिया, मंदिर का गेट तोड़। और एक और तस्वीर सामने आई है बांग्लादेश के बोगरा जिले से। बोगरा जिले में कट्टरपंथियों ने हिंदू अल्पसंख्यकों के कई घर जला दिए। पीरगाछा इलाके में हिंदू मंदिरों पर भी हमला हुआ। वाहनों को भी आग के हवाले कर दिया गया। तो इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं लगातार अलग अलग जिलों से, जहां घरों को, मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है और हिंदुओं के इलाकों में इस तरह के उपद्रवी लगातार इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। और कट्टरपंथियों ने नुहाखली इलाके में भी मंदिर पर हमले को अंजाम दिया है। मंदिर में की गई तोड़फोड़ की तस्वीर आपके सामने होगी। मंदिर के बाहर आग लगा दी गई, वहां मौजूद लोगों पर हमला हुआ। हुड़दंगियों ने लाठी डंडों से लोगों को पीटना शुरू कर दिया। इस बीच सूत्रों के हवाले से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि आज भारत में ही रह सकती हैं शेख हसीना। जी हां, यूके में अभी उनको नहीं मिली है शरण, और जब तक किसी देश में शरण नहीं मिलती है भारत में ही रहेंगी। जानकारी के मुताबिक शाम तक शरण मिलने की उम्मीद है, कहीं किसी देश की तरफ से असाइलम मिलने की उम्मीद है। फिलहाल वो भारत में ही है। सोर्सेस के हवाले से आ रही बड़ी खबर आपने जानी, लेकिन अब आगे शेख हसीना क्या करेंगी? इंफॉर्मेशन वॉल पर रुक करते हुए ये रवि समझना, इस वक्त एक्सपर्ट से चर्चा करने से पहले जरूरी है कि शेख हसीना आगे क्या कदम उठा सकती हैं? विदेश में नए सिरे से वापसी की क्या रणनीति बनाएंगी? इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि बेटे जॉय जो दावा कर रहे हैं कि राजनीति से शेख हसीना संन्यास भी ले सकती हैं। बिल्कुल, उन्होंने ये दावा किया था। और कहां शरण लेगी शेख हसीना, तो पहला नाम आ रहा है ब्रिटेन का, शरण लेने की यहां कोशिश हो रही है। अभी अनुमति वहां से नहीं मिली है। यूरोप के किसी देश में जा सकती हैं। ब्रिटेन में शरण न मिलने पर यूरोप एक दूसरा ऑप्शन है जहां पर शेख हसीना जा सकती हैं। फिनलैंड समेत कुछ देशों से बात हो रही है, यह भी जानकारी सामने आ रही है। और अगर किसी देश में असाइलम मिलता है, अनुमति मिलती है, तो वो भारत से आगे जाएंगी। सुरभि, बिल्कुल, अब हमारे तमाम सहयोगियों से इस बारे में और जानकारी लें। उससे पहले इंट्रोड्यूस करा दूं, क्योंकि बड़ा गेस्ट पैनल हमारे साथ हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी सर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। पूर्व राजदूत अचल मल्होत्रा सर इस वक्त हमारे साथ हैं। सुशील कुमार सिंघल सर पूर्व राजदूत इस वक्त हमारे साथ हैं। और जेके त्रिपाठी सर पूर्व राजदूत हमारे साथ हैं। साथ ही बांग्लादेश से भी हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार सलीम रेजा इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। और आपको इस बीच ये भी बता दूं, हिंडन एयरबेस से इस वक्त मेरे सहयोगी विपिन चौबे हमें ज्वाइन कर चुके हैं। और स्टूडियो में डिफेंस एडिटर सुमित चौधरी भी इस वक्त मेरे साथ हैं। सबसे पहले विपिन, संभव हो तो खबरें और तस्वीरें इस वक्त वहां हो रही हलचल के बारे में बताएं। देखिए सुरभि, मैं इस वक्त गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर खड़ा हूँ और कल शाम 5:30 बजे के बाद बहुत कुछ एक्टिविटी नहीं है और कोई हलचल भी बाहर नजर नहीं आ रही है। कोई अलग से सिक्योरिटी नहीं लगाई गई है।
ये जरूर है कि कल शाम लगभग 5:30 बजे शेख हसीना का विमान यहाँ पर लैंड हुआ और देश के NSA अजीत डोभाल उनसे मिलने आए। लगभग 1.5 घंटे वो यहाँ पर रहे और उसके बाद जाकर प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफ किया गया है। भारत की निगाहें बांग्लादेश पर है, हर एक एक्टिविटी को मॉनिटर किया जा रहा है और भारत जो भी मदद हो सकता है वो शेख हसीना को देने की कोशिश कर रहा है। खबर यह है कि वो उन्हें ब्रिटेन में शिफ्ट होना है, लेकिन उसके लिए जो असाइलम है, जो परमिशन है, वो उनको नहीं मिल रहा है और जब तक वो नहीं मिल पाता है तब तक वो भारत में ही रहेंगे। इस वक्त अंदर का माहौल क्या है, किस तरह से वो रह रही है, क्या उनको सुविधाएं प्रोवाइड कराई गई है, कोई भी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के सोर्सेस से नहीं लीक की जा रही है। और चूंकि ये एयरफोर्स का एयरबेस है इसलिए यहाँ पर सुरक्षा पहले ही ज्यादा होती है, लिहाजा उनका प्लेन अंदर है, टेक ऑफ किया है या नहीं किया है, वो कब तक टेक ऑफ करेंगी, इसके बारे में कोई आधिकारिक सूचना फिलहाल तो नहीं दी जा रही है। ठीक है विपिन, आप नजर बनाए रखें। और देखिए हमारे साथ जीडी बख्शी साहब जुड़े हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट, और खास बात यह कि 1971 की लड़ाई में, जंग में वो शामिल रहे हैं। बख्शी सर, जो शेख हसीना के बेटे हैं उन्होंने एक बयान दिया कि बांग्लादेश पाकिस्तान की राह पर चल चुका है, आप अपने अनुभव से बता सकते हैं हमें क्या कि आखिर जो सिचुएशन है वो बांग्लादेश को किधर लेके जा रही है और भारत के लिए कितनी बड़ी चिंता की बात है? देखिए सबसे पहले तो भारत के लिए काफी बड़ी चिंता की बात है। जब से ये आजादी की जंग शुरू हुई थी बांग्लादेश में, एक बड़ा शार्प पोलराइजेशन वहां पे हुआ है। मुक्ति वाहिनी के मुक्ति योद्धा, पाकिस्तान के जेनोसाइड, पाकिस्तान के मास रेप और जो 10 मिलियन रिफ्यूजीज को बाहर धकेलना, उसके खिलाफ वो लड़े थे। लेकिन जब आज़ादी मिल गई उसके बाद कई सारे बांग्लादेश की आर्मी के ऑफिसर जो वेस्ट पाकिस्तान में रह गए थे वो लोग वापस आए और धीरे धीरे उन्होंने 1974 तक वहाँ पे कू करवा दिया। आपको याद होगा देजा वू है, 1975 में बड़ी भयंकर स्थिति वहाँ पे हो गई थी, बंग बंधु के खिलाफ बगावत, और उनको निकालने के लिए जब एविएशन रिसर्च सेंटर का हेलीकॉप्टर गया तो उन्होंने आने से मना कर दिया। नतीजन मार डाले गए बड़े बेरहमी से, उनका पूरा परिवार, सिर्फ शेख हसीना वाजिद जिंदा बची थी। बट उसके बाद काफ़ी सीरीज ऑफ मिलिट्री कूज हुए, जियाउर रहमान वगैरह ये लोग आए वहाँ पे, और फिर धीरे धीरे जो मुक्ति जोदास का जो फैक्शन था, जो तबका था, वो फिर वापस उन्होंने अपने आप को रीअसर्ट किया इन जिहादियों के खिलाफ, इन इस्लाम कट्टरपंथों के बरखिलाफ, पाकिस्तान की ISI के बरखिलाफ। बहरहाल इस वक्त जो पाकिस्तान की, चीन और पाकिस्तान ने मिलके ये किया है, पाकिस्तान की ISI मेन मोहरा है, क्योंकि इस्लामिस्ट कट्टरपंथियों थे, जिहाद इस्लामी वगैरह जो BNP पार्टियां हैं, जो ग्रास रूट इस्लामिक मूवमेंट्स हैं, उनके साथ जिहादी एलिमेंट्स के साथ ISI की अच्छी साठ गांठ है। याद रहे जब आसिम मुनीर, जो अब पाकिस्तान का आर्मी चीफ है, फॉर्मर DG ISI रह चुका है, जब वो अमेरिका गया तो वो विक्टोरिया न्यूलैंड से मिला था। उन्होंने भी इसको कैट्स पॉ के तौर पे इस्तेमाल किया है ISI को, ये इस्लामिक कू जैसा है वहाँ पे करने के लिए। एक आप देख रहे हैं कि काफ़ी मिसस्टेप्स हसीना वाजिद की सरकार ने भी किए, बट उनके चलते एक मैदान 2.0 जैसा माहौल ऑर्केस्ट्रेट किया गया है। स्ट्रीट प्रोटेस्ट को इस चरम सीमा पर लाकर उनको बाहर भागने पे, बांग्लादेश छोड़ने पे, बहुत क्रूशियल इन्फॉर्मेशन आपने दी है।